हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले। तो गाइस, आज जो है मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ भाई टाइम सिमुलेटर। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने जो है ऑटो फीडर जो है बनाया था भाई, अभी इसमें जो है 193 डॉलर का भाई प्रयोग है। और भाई अभी इनका भाई खाना तो ठीक है भाई, खाना चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। और पानी जो है 4.0, तो पानी जो है वो 4.9 था। तो अभी भाई पिक्स का खाना भाई बहुत कम पड़ा हुआ है, अंदर चल के देखते हैं भाई है या नहीं भाई। लेकिन पिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये लास्ट टाइम का ऊपर ही खड़ा भाई, पानी है लेकिन भाई खाना नहीं है। तो भाई अभी जो है को का भाई मिल्क नहीं, एक दफ़ा निकाल लूँ और भाई फिर चलूँगा मैं जो है खाना लेने पिक्स के लिए। भाई ट्रेलर ले जाऊँगा, ट्रेलर बाइक भाई ले जाऊँगा खाना। और भाई भाई SUV जो है भाई वाली SUV ले जाऊँगा, भाई ट्रेलर ले जाऊँगा और भाई बाइक खाना भी ले जाऊँगा चिकन अपने पिक्स के लिए। भाई चिकन के लिए भाई अब खाने की कोई टेंशन नहीं है, पिक्स के लिए भाई चिकन के लिए तो कोई टेंशन नहीं। अब पिक्स से खाने की भाई टेंशन होती है, तो भाई उसके लिए भाई मुझे जो है खाना जो है परचेज करके भी लाना पड़ता है। भाई थोड़े टाइम बाद जो है मैं ऑटो फीडर बनाने वाला हूँ, तो भाई वो बाद में बनाएंगे। फिलहाल जो है अभी जो है कोका मिल्क निकालते हैं। अभी आज जो है मैं चीज़ प्रोडक्शन का जो है काम कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई हम जब बहुत ही जल्द जो है चीज़ प्रोडक्शन जो है करेंगे। भाई चीज़ प्रोडक्शन के लिए जो है मिल्क मैंने जो है इकट्ठा भाई काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, तो भाई इसे रखता हूँ बकेट को इधर। भाई बाहर चलता हूँ, भाई इसे करता हूँ क्लोज, भाई क्लोज कर दिया इसे। और चल के भाई अपनी कार में फ्यूल तो होगा भाई, चेक करे तो लास्ट टाइम मैंने ला के डाला था। भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है डियर्स की हंटिंग की है, भाई एक आध बियर की भी हंटिंग की है, तो भाई उन्हें भी बाद में इकट्ठा करेंगे। पहले भाई जाते हुए मैं देख लूँगा बर्गर शॉप पे किस चीज़ की ऑफर है। भाई इधर स्लीपिंग बैग, भाई पहले स्लीपिंग बैग उतार देता हूँ भाई, उसने भी जो है भाई वैसे ही जो है जगह ली हुई है, तो ये मैं साथ लेके भाई घूमता हूँ। भाई रात हो जाती है तो भाई साथ में ही जो है उधर ही सो जाता हूँ, तो इसलिए भाई ये साथ में रखता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं खाना लेने जा रहा हूँ, अभी भाई इसे जो है मैं घर पर रख के जा रहा हूँ अपने रेंच पे। तो भाई इधर साइड से थोड़ा सा करता हूँ कट। भाई आपको इधर भी जो है एक डियर भाई हंट हुआ हुआ भाई मिल गया है, और सामने भाई पड़ा हुआ। तो इधर भाई कार को घुमाता हूँ, भाई सीधा भाई रिवर्स में ले जाके भाई इसे जा कर देता हूँ अटैच। भाई अटैच होगा ट्रेलर। अभी अभी अपनी ऐसी हुई कि भाई स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। भाई मैं सोच रहा हूँ भाई इसका कलर जो है थोड़ा चेंज करवाया जाए, रेड कलर इसका करवाया जाए। अभी चल के देखते हैं भाई जो है कार शोरूम पे, और चलता हूँ भाई बर्गर शॉप भी जा फिर चेक कर जाऊँगा किस चीज़ की। अपना पॉक जो है लास्ट टाइम का उधर ही, तो वो भी देख लेंगे। तो भाई फाइनली जो है मैं पहुँच रहा हूँ भाई कार शोरूम पे। भाई इधर साथ में जो है होती है भाई कस्टमाइज। और भाई इधर से जो है मैं पहले तो अपना जो है ट्रेलर करता हूँ डिटैच। भाई ट्रेलर तो मैंने कर दिया डिटैच। अब भाई अभी पीछे तो होगी नहीं, कहीं और आगे करनी पड़ेगी। इधर से करके भाई सीधे लगाता हूँ भाई अंदर। भाई इसका कलर ही मैं बस चेंज करवाने वाला हूँ ज़्यादा, तो भाई इसमें मॉडिफाई जो है मॉडिफिकेशन मैं करवाने नहीं वाला। भाई कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा भाई, ये कस्टमाइजेशन तो मैं कर सकता हूँ दो तरह की, ये तो पहले ही है भाई मैं ही। लेकिन भाई मैं कलर इसका भाई कैसे कर सकता भाई, डॉट्स भाई। भाई इधर कलर तो भाई पता ही नहीं चला भाई कलर कौन सा है, भाई कौन सा कलर कैसे होगा भाई कोई समझ नहीं आ रही। तो भाई अगर आपको पता तो भाई कमेंट में बता देना। अभी फिलहाल जो है मेरी जो है ऐसी हुई जो है मॉडिफाई नहीं हुई भाई, कलर नहीं हुआ मॉडिफाई हुआ भाई। ये पहले मैंने मॉडिफाई करवाई थी, ये भाई बैरियर लगवाया था, एक किस्म का भाई बैरियर ही है भाई। इसे भाई काम जो है काफ़ी ज़्यादा भाई आसान हो जाता है, भाई काफ़ी ज़्यादा सामान जो है हम जो है छत पे भी लोड कर सकते हैं। तो भाई अभी इधर भाई शॉप पे भी चेक कर लेता हूँ भाई ऑफ़र किस चीज़ की चल रही है, तो अंदर चलता हूँ किस चीज़ की ऑफ़र चल रही है। भाई एग्स की चल रही है, भाई रूस्टर मीट की चल रही है, चिकन मीट बॉल भी मीट बॉल की। भाई ये थाली के भाई सारे पड़े हुए हैं भाई, खाना ले जाके भाई आज मैं एग्स भी इकट्ठे करने वाला हूँ। भाई एग्स भी सेल करेंगे भाई अपने पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एग्स भाई इकट्ठे होगा। भाई मैंने काफ़ी टाइम से जो है एग्स बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं किए भाई, वो सामने मुझे जो है एक डियर मिल गई है। तो भाई अभी इसे भी भाई हंट कर लेता हूँ। भाई आजकल जो है मैं डियर के मामले में भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ हूँ, भाई दो डियर मिल गई हैं। भाई आजकल जो है कुआं खुद पैसे के पास चल के आ रहा भाई, भाई ये दो में हो गए तमाम। और भाई इसे भी भाई आ जा भाई मैं आगे ही खड़ा हूँ आ जा। भाई इसका भी काम जो है दो में ही हो गया। भाई अभी पीछे जो है मैंने अपनी ऐसी भी जो है पार्क करी थी, भाई पार्क नहीं थी इधर भाई खड़ी की थी, तो इधर से भाई बैठता हूँ। भाई रीलोड गन हो गया है भाई, गन रीलोड होनी चाहिए साथ में जो है हंट करके, भाई साथ में बैठो रीलोड कर लो। तो भाई ये काम काफ़ी अच्छा, नहीं तो रीलोड करने के चक्कर में ये निकल जाती। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है DS की मैंने हंटिंग किया, भाई मैं इकट्ठा करूँगा भाई एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा भाई अपने को अर्निंग होगी। भाई जब मैं इकट्ठा करूँगा बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। तभी भाई बातों बातों में भाई हंटिंग के चक्कर में भाई पहुँच आया हूँ मैं जनरल स्टोर पर। तो इधर से भाई जाके मैं भाई 25 बैग ऑफ फीस भाई करने वाला हूँ ऑर्डर। भाई अपने पास देख लो भाई पैसे कितने पड़े हुए हैं।
भाई 550 डॉलर्स पर होगा भाई। मुझे तो लगता है इतने अपने जो है परचेज ही नहीं होंगे, तो मैं देख लेता हूँ जितने भी परचेज होते हैं तो भाई 20 लाख बाग परचेज हो ही जाएंगे। भाई 20 परचेज कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ भाई इन्हें लोड करके। अब रेंच पे के लिए मैं निकलने वाला हूँ, अब लोड करके आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस परचेजिंग हो गई है, तो मैंने 15 बैग ऑफ जो है वीट के जो है बाय किए हैं परचेज किए। भाई अपने पास पैसों की कमी पड़ गई थी भाई, मैंने जो है बुलेट्स भी जो है परचेज किया भाई, वो लाजमी थी बुलेट परचेज करना, क्योंकि भाई अपना जो है हंटिंग भाई बुलेट्स ही होती है, बुलेट्स के बिना भाई हंटिंग नहीं होती। तो भाई अभी ये सब का सब जो है लोड करने वाला है, तो भाई इन सब को भाई करता हूँ मैं लोड और फिर चलता हूँ भाई रेंच पे। रेंच पे चल के भाई आपको मिलता हूँ, उधर चल के भाई आज जैग भी उठाने भाई, अपने जो है खाना भी डालूंगा भाई, अपने पिक्स आके खाना डाल के भाई आज मैं जो है एग्ज इकट्ठे करके वो सेल करने वाला हूँ। तभी भाई जल्दी से करता हूँ लोड और चलता हूँ रेंच पे। तो भाई फाइनली जो है मैंने जो है सारा का सारा जो है बैग ऑफ फीस जो है वो लोड कर लिए। फिर मैंने 10 जो है अपनी SUV पे लोड करे और 5 जो है भाई ट्रेलर पे लोड कर लिए। भाई वैसे जो है मैं अपनी SUV पे भाई 17-18 जो है लोड कर लेता हूँ। तो आज भाई थोड़े थे तो मैंने थोड़े जो है कर लिए भाई, तंग नहीं किए भाई, जल्दी से जो लोड किए हैं अभी जल्दी से भाई चलता मैं रेंच पे। तो भाई फाइनली जो है मैं अपने रेंच पे जो है पहुँचा हुआ भाई। एंट्री जो है थोड़ी सी गलत होने वाली थी, भाई कोई बात नहीं भाई ठीक हो गया, गलत नहीं हुई। तो इधर से भाई कार का भाई घुमाता हूँ मैं सीधा, इधर भाई उधर ही जाके पार्क करूँ और बिल्कुल साथ में जैसे कि भाई पहले पार्क होती है भाई खाना पिक्स करके आप देख रहे हैं भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई मैं सोचूँ कि भाई जितने भी बड़े पिक्स हैं इन्हें जो है किल करके भाई इन्हें जो है इनकी जो है पॉपुलेशन जो है कम की जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा पिक्स हो गया भाई, खाना भी काफ़ी ज़्यादा खाता है, पानी भी जो है काफ़ी ज़्यादा पीते हैं भाई, इसीलिए भाई मैं सोचूँ कि भाई इन्हें किल किया जाए। भाई इनसे जितने भी भाई पैसे मिले उनसे और पिक्स बाय किए जाएँ, और इनके लिए जो ऑटो फीडर खाने पानी के दोनों जो ऑटो फीडर जो है वो क्रिएट किए जाएँ। तभी भाई मैं 4-5 बैग आप फिर जो है इनके आगे जो है ओपन कर देता हूँ। भाई पानी तो मैं जाते हुए भाई लास्ट टाइम इनके आगे जो है डाल के गया था, पानी तो फुल करके भाई फुल नहीं था कि शायद एक बाकी जो है वाटर की जो है डाली थी। तो भाई देख लेता हूँ अभी भी कितना जो है वाटर पड़ा हुआ है, भाई 7 पॉइंट समथिंग पड़ा हुआ है भाई, 7 से अप ही है भाई, कोई बात नहीं 7 भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भाई बारी है अपने चिकन्स के भाई एग उठाने की। भाई एग बास की जगह भाई इसके अंदर पहले से एग्ज भाई नहीं है भाई, बिल्कुल एम्प्टी है भाई। अभी आप देखता हूँ जब मैं एग्ज उठा लूँगा तो भाई कितने ज़्यादा एग्ज हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है अपने पास एग्ज होने वाले हैं भाई, इनका पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी जो है इनका आगे जो है मैं ला कर रख देता हूँ भाई। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर की प्रॉब्लम हो रही है चिकन को, तो भाई हो सकता है बहुत ही जल्द जो है मैं जो है वाटर फीडर जो है बना डालूँ भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है पानी जो है भाई बहुत ज़्यादा आजकल जो है चिकन से पानी पी रही है। तो भाई इससे अच्छा भाई मैं एक जो ऑटो फीडर जो है वाटर का भी बना दूँ, जैसे मैंने जो है फूड का बनाया है, तो इसलिए इस तरह भाई मैं वाटर फीडर भी जो है बना सकता हूँ चिकन्स के लिए। भाई अपनी जो है पिग्स खाना ज़्यादा खाते हैं, पानी कम ही पीते हैं। तो भाई अभी इधर से जो है एक बकेट जो है वाटर की फुल करता हूँ और जो चिकन का रखता हूँ भाई, बाकी जो है एग्ज जितने भी हैं वो इकट्ठे करके भी आपसे मिलता हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा एग्ज हैं अभी, उन्हें इकट्ठा करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा। अभी जल्दी से चलता हूँ, चल के भाई एग्ज इकट्ठे करता हूँ भाई। जो है एग उठाते उठाते भाई उठाते भाई रात हो गई है अभी, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही भाई जाना किस साइड पे है भाई, इतना ज़्यादा भाई टाइम लग गया ना भाई एग उठाने में भाई। अभी भी जो है एग्स काफ़ी ज़्यादा जो है पड़े हुए हैं भाई, रात होने वाली है। तभी जो है चलता हूँ भाई, चल के भाई पिक्स का खाना भी चेक करता हूँ। तब से जो है पिक्स का मैंने खाना तो बिल्कुल भी नहीं चेक किया भाई। आप देखें भाई एग्स कितने ज़्यादा, भी जाके भाई शॉप पर चल के पता चलेगा भाई टोटल कितने एग्स हमने जो है कलेक्ट किए आज भाई। खाना तो एग्स पिक्स आके भाई थोड़ा सा है भाई, मैंने 5 बैग आप जो है ओपन किए थे भाई, अभी लगता है तो भाई 2 पड़े हुए हैं। तो भाई कोई बात नहीं, जितना कम खाना खाए भाई उतने अपना फ़ायदा, अभी उतने पड़े होंगे भाई, खाना तो उतने लगेगा। तो भाई अभी जो है मैं अपनी UTV लेकर भाई चलता हूँ भाई जनरल स्टोर, वो भाई बर्गर शॉप पे भाई, उधर जो है डबल एग्स पे आप तो भाई एग सेल करने के लिए भाई चलता हूँ भाई बर्गर शॉप, उधर जाकर भाई एग सेल करता हूँ भाई, देखता हूँ भाई कितने का सेल होते हैं। अभी जितने मैंने उठाया मुझे लगता है इतने भाई बाकी भी पड़े होंगे भाई, अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है 150 भाई मेरे हिसाब से भाई एग्स पड़े होंगे। ये हमने काफ़ी ज़्यादा जो कलेक्ट किए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे। अभी चलता हूँ भाई बर्गर शॉप पे। तो फाइनली गाइस जो है मैं बर्गर शॉप पे भाई पहुँचने वाला हूँ, लगभग पहुँच गया हूँ भाई। थोड़ा सा आगे चलना है भाई, इधर जो है लगानी है हल्की थी ड्रिफ्ट लेकिन भाई लगी नहीं, स्पीड कम थी। और भाई एग्स देखते हैं भाई कितने हैं, तो भाई कितने के सेल होते हैं भाई। ये अभी जो है मैंने एग्स तो भाई इधर रख दिए हैं भाई, डबल इस पे ऑफर चले भाई एग्स पे, भाई देख लेते हैं भाई कितने के हैं एग्स भाई। अपने जो है एग्स हैं 51,5148 डॉलर्स के जो एग्स हैं भाई, 429 जो एग्स मैंने जो है कलेक्ट किए हैं भाई। अभी जो है 1500 डॉलर्स के भाई अपना जो है पोर्क मीट पर हुआ है
तो भाई मैंने इसे भी सेल कर दिया। भाई अपने पास अभी जो है लगभग 7,000 डॉलर जो है वो होने वाले हैं। तो भाई अभी 7,000 डॉलर होने वाले हैं। तो भाई अभी जो है बैठता हूँ मैं SUV में। तो भाई अभी देखना भाई मुझे जो है बाकी बनाने के लिए भाई जो मुझे अपने भाई बनानी है भाई चीज़ प्रोडक्शन के लिए भाई वो उनमें भाई क्या क्या रखता है भाई। इधर से चेक कर लेता हूँ भाई, चलता हूँ बिल्ड मोड में भाई, इधर से जो है सब पता चल जाएगा भाई कि उसमें क्या क्या चीज़ लगती है भाई। ये प्रो में इसमें जो है 16 प्लैंक्स लगती हैं और 18 जो है मेटल पीसेस लगते हैं। भाई चलता हूँ भाई, जाके जाए परचेज जाए करना तो भाई वो करता हूँ। तो भाई एक में 18 लगती है मेटल पीस प्लेट्स। तो भाई चल को उधर से जाए हार्डवेयर स्टोर से भाई जितने भी मैंने मेटल प्लेट्स लेने वो भी लेता हूँ। भाई प्लैंक्स भी लेनी होगी तो वो भी लेता हूँ, फिर जो आपके से मिलता हूँ। तो भाई फाइनली जो है मैं हार्डवेयर स्टोर भाई पहुँचा। भाई अभी रात हो गई है भाई, यार जुटाना है मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा भाई। आज जो है सारा दिन भाई एग्स उठाने में निकल गया भाई। आइंदा जो है मैं सोचा भाई साथ साथ जो है एग्स कलेक्ट करता जाऊँ, थोड़े से टाइम बाद भाई एग्स कलेक्ट करता जाऊँ जब अच्छी आती ऑफर चालू ही होगी। तो भाई इन्हें जो है भाई जो है फिर जो है एग्स को सेल करके भाई फिर आप प्रॉफिट कम होगा। भाई अभी जा कर भाई 150 जो है मेटल पीसीज करना है मुझे ऑर्डर। भाई मेटल पीसीज जो है मैंने 3 ऐड कर लिए हैं भाई, 150 मेटल पीसीज जो है वो हो गए हैं भाई 150 के जगह। बाकी भाई मुझे चाहिए भाई वुडन प्लैंक्स। भाई प्लैंक्स 8 आती हैं एक टाइम में, वो 32 की आती हैं। अब भाई 10 आ गई 80, और भाई मैं करने वाला हूँ 20। तो भाई 20 हो जाएगी, 140 लगभग हो जाएगी। तो भाई इसे करें चेक आउट, भाई 2100 डॉलर का जो है खर्चा आया। तो भाई अभी चल कर इसे जो है काफ़ी ज़्यादा भाई चीज़ें भाई भई हुई हैं भाई इसे अभी करता हूँ लाइट ऑन। ये भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये इतना सारा सामान जो है मैंने परचेज किया है, ये भी जो है मैं अपनी ऐसी यूटीवी पे लोड करता हूँ, फिर आपसे भाई मिलता हूँ। तो भाई टाइम जो है वो रात का जो है भाई टाइम रात का जो है 11 हो गया, तो भाई 12 होने वाला है। और जो है मैंने जो है मेटल पीसी तो भाई जितनी भी वुड जो है लोड होती थी वो कर लिया था। भाई अभी जो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं अभी चलता हूँ रेंच पर, बाकी जो है सुबह उठ के भाई काम करूँगा भाई। पिक से आगे पता नहीं भाई खाना भी है या नहीं, होगा या नहीं होगा भाई, शायद से होगा भाई। लास्ट टाइम मैं आता हुआ डाल के तो आया था भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो भाई जल्दी से चलता हूँ रेंच पर, चल के सोऊंगा भाई सीधा, चल के सीधा सो के फिर सुबह उठ के ही आपसे मिलूंगा। अभी चलता हूँ भाई रेंच पे। तो भाई फाइनली जो है सुबह हो गया, पर रात को मैं आया था भाई, मुझे एक जो है चीज़ दिखी भाई। मेरे जो है चिकन हाउस का भाई थोड़ा सा गेट भाई ओपन था, फिर मैंने क्लोज किया था भाई, लेकिन फुल जो है क्लोज नहीं था भाई। जैसे ही है थोड़ा सा आगे आ गया फिर वो काफ़ी ज़्यादा पीछे था भाई, 4-5 जो चिकन तो बाहर थी, तो वो मैंने अंदर रख दी थी। फिर भी पता नहीं वो क्या क्या भाई बाहर निकला, तो वो मुझे भी नहीं पता भाई क्या क्या बाहर जो है, कितने चिकन और कितने जो है छोटे चिकन भाई बाहर निकले हैं। तो भाई कोई बात नहीं भाई, जितने भी निकले होंगे भाई कोई बात नहीं, वो नया हो जाएंगे। तो भाई चलो भाई उस बात को छोड़ते हैं, चल के भाई अभी जो है पिक्स आगे मैं थोड़ा सा खाना डालने वाला हूँ। लेकिन पहले जो है लाइट ऑफ करता हूँ अपनी UTV की। तो भाई अभी जो है 2-4 बैग अभी जो ओपन करके भाई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करता हूँ भाई। फिर प्रोडक्शन के लिए भाई मुझे जो है पैन वगैरह भी जो है बाइक का खिलाने पड़ेंगे, और भाई वो भी बाइक का खिलाऊंगा, और जो है एक और बैग का फिर भी काफ़ी होगा इनके आगे। एक दो पहले ही पड़े हुए हैं, तो भाई एक दो मैंने वो जो ओपन कर दिया, अभी एक दो जो है वो ओपन करता हूँ भाई। इधर पहले तो इधर लगाता हूँ, और ये भाई एक ये भाई इतने काफ़ी होंगे भाई, इतने लगाता हूँ। फिर जो है भाई चल के अपना जो है काम स्टार्ट करूँगा भाई अपने जो है प्रोडक्शन हाउस का। तो इधर से भाई चलता हूँ थोड़ा सा भाई घुमा के कार को, भाई अपनी यूटीवी को घुमाता हूँ भाई सीधा। मैं जो है ये सब कुछ अपने प्रोडक्शन हाउस के भाई पास ही लेके जाने वाला हूँ भाई। ये इधर जो है ब्रेक लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा अभी आगे होता हूँ भाई। इधर से भाई अभी जो है मेटल पीसेस उठाता हूँ पहले भाई, पहले जो है सबके अंदर जो है मेटल पीसेस लगाता हूँ भाई। इसके अंदर 18 लग गए हैं, इसके अंदर भी 18 लग गए हैं, और इसके अंदर जो है 14 लगे हैं भाई। 50 थे तो 18 18 दो के अंदर, एक के अंदर जो है 14 लगे हैं भाई। चल के इसके अंदर जो है 14 लगे थे, इसके अंदर भी 18 हो गए हैं, इधर भी 18 हो गया। अभी देखते हैं भाई कितने कितने जो है लगते हैं। इसके अंदर 18 लग गए हैं, और पीछे इसके अंदर भाई 10 लगे हैं भाई। अपनी अपने पास जो है 50 मेटल के पीस जो है वो पड़े हुए हैं, तो वो भी जब भाई चल के भाई अगले जितने भी बचे हैं उनके अंदर भाई लगा देता हूँ। और भाई अपने जो है मेटल पीसेज हो गए कंप्लीट भाई, 6 बचे हैं बाकी। भाई इसे जो है प्रोडक्शन हाउस के अंदर भाई इधर रख देता हूँ, मेरे पास 2-4 जो है वैसे भी पहले भी पड़े हुए हैं भाई, वो भी जो है बाद में जो है इकट्ठे कर दूंगा। तो ये भी जो है वुडन प्लैंक्स का काम है, तो भाई वुडन प्लैंक्स भाई मैं लगाने वाला हूँ। वुडन प्लैंक्स भाई एक तो ये रेडी करता हूँ भाई, ये होगा रेडी भाई, अभी देखते हैं भाई। इसके जो है 3 फ्लोर हैं भाई, ये किस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता भाई, अगर आपको पता भाई कमेंट बता दो भाई। मुझे लगता है ये सॉसेज के लिए भाई, पता नहीं आप कौन से सॉसेज के लिए है, तो वो भाई बाद में देखेंगे। तो अभी जो है 18 इधर भी आ गए हैं भाई, अभी जो है बाकी जो है इधर भी भाई जितने भी प्लैंक्स हैं मेरे पास मैं वो लगाता हूँ भाई, वो सब कुछ अलग लगता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो
फाइनली जो अभी मैंने जो है सारे के सारे भाई वुडन प्लैंक्स पे लगा दिया भाई। अभी ये दो रेडी हो गया भाई, इन दो के अंदर जो है वुडन प्लैंक्स चढ़ने वाले। तो भाई अपने पास जो है वुडन प्लैंक्स का स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये अभी जब परचेज करके मैंने जो उधर रखी हुई था भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो पड़ी हुई है। तो इधर से जो है फोर जो है ब्लॉक भाई, फोर जो है पीसी इसके जो है लोड कर लेता हूँ 8-8 के। तो भाई फिर चढ़ के भाई उसके अंदर लगा दूंगा, तो भाई वो अपना जो है काम जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मुझे एक दफ़ा जाना है भाई जनरल स्टोर पे, उधर से भाई मुझे प्रोडक्शन की भाई जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी प्रोडक्शन के लिए लगनी है वो मैं ले आऊँगा भाई। प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सब कुछ भाई ले आऊँगा, देख लूँगा भाई क्या क्या प्रोडक्शन किस किस चीज़ की होती है भाई। आज जो है मैं गया नहीं भाई, ऑफर भी नहीं चेक की। तो भाई मैं अपनी जो है SUV लेके जाऊँगा और साथ में जो है ट्रेलर भी लेके जाऊँगा भाई, पीछे लिए खाना भी ले आऊँगा, और जो है प्रोडक्शन के लिए भाई बाकी सामान भी जितना भी लाना होगा वो भी ले आऊँगा। तभी भाई ये 4 PCB भी भाई जितने हैं भाई इन्हें भी चल के लगाता हूँ। अभी अभी जो अपने जो है प्रोडक्शन की भाई हाउस की भाई काफ़ी अच्छी जो लुक हो गई है। तो भाई इसके अंदर भाई क्योंकि अपने पहले तो अपने पास भाई कुछ ही नहीं था भाई, अभी जो है मैंने जो है बाकी जो है भाई बना दिया इसके लिए भाई प्रोडक्शन के लिए सब कुछ। तो भाई अभी इसी के अंदर भाई मैं जो है पैन लाने वाला हूँ भाई, 4 पैन लाऊंगा भाई। इसके अंदर 4 है तो भाई 4 ही लगेंगे भाई, बाकी जो है मुझे लगता है इनके अंदर जो है जलेबी टाइप के जो है सॉसेज होते हैं वो लगेंगे, उसके लिए जो मुझे ग्राइंडर लाना पड़ेगा तो वो भी लाऊंगा। तभी भाई इसे अपनी यूटी भी कोई तरह नहीं देता हूँ। अब भाई जो है अपनी जो है SUV से भाई खाना अनलोड करके पीस आगे जो ओपन कर देता हूँ और फिर चलता हूँ भाई अब जो है जनरल स्टोर पर, उधर चल के भाई पीस से खाना भी लाऊंगा और सासी चीज़ का सामान भी लाऊंगा। तो भाई फाइनली जो है अभी यहाँ पहुँच गया भाई जनरल स्टोर पर भाई, इधर से शॉर्टकट के भाई लेता हूँ थोड़ा सा भाई। अपने पास जो बड़ी गाड़ी है तो भाई ये थोड़ा कट होने में भाई टाइम लेती है, तो भाई इसलिए जो है मैं इसे शॉर्टकट में ही भाई ले आया हूँ। अभी चल के भाई अपना जो है परचेजिंग जो भी मुझे करना है तो वो भी करता हूँ। और इधर भाई मुझे पैन बाय करने हैं भाई, 4 पैन भाई, 4 मैंने पैन बाय कर लिया है भाई। इन्हें पैन को मैं रखूँगा इस पर, मुझे ये भी नहीं पता भाई, कोई बात नहीं, पैन मैंने बाय कर लिया है। बाकी अभी क्या क्या बाय करना है भाई, सॉसेज स्टफर भाई, एक सॉसेज स्टफर, एक इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर भाई, ये कट कर दूंगा भाई, ये इलेक्ट्रिक वाला ले लेते हैं। और भाई उसके बाद भाई मीट ग्राइंडर भी ले लेता हूँ भाई, पता नहीं अभी मैंने क्या क्या लिया भाई, ये भाई कर देता हूँ कट। तो भाई बाकी ये जितना भी है भाई चेकआउट करता हूँ, $1400 का भाई सामान जो है मैंने परचेज किया है भाई। अभी जो है पहले इसे लोड करता हूँ भाई, बाद में जो है बैग का फिर भाई लोड करूँगा भाई। इसे लगाना किस पे है भाई, ये मैंने परचेज तो कर लिया, इसके लिए भाई नीचे जो है चूल्हा जो टाइप का होता है भाई वो देखना पड़ेगा, वो कैसा है भाई, क्या सीन है भाई, किधर है कौन सा, तो वो भी देख लेता हूँ भाई अभी चल के। अभी इधर जो है स्टफर वगैरह तो भाई वैसे ही आ गया है, तो वो पैक हो गया है स्टफर भाई। इसमें देख लेता हूँ भाई किसके ऊपर ये चूल्हा लगेगा किसके ऊपर, तो भाई शायद से इलेक्ट्रिक मीट के अंडर भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला भाई, मुझे पता तो है कोई नहीं भाई किसके ऊपर क्या चीज़ लगेगी। तो भाई अगर आपको पता भाई कमेंट में बताना भाई, इधर एक दफ़ा देख चलता हूँ, चल के देख लेता हूँ भाई क्या सीन है। तो भाई अपने जो है हार्ड वो एक और भाई बच गया, एक पैन भाई, 4 पैन रख लिया मैंने। अब भाई इसे ग्राइंडर का भी भाई रखता हूँ इधर रोटेट करके, अब भाई इसे भी रखता हूँ भाई इधर सीधा इसके ऊपर भाई, नहीं लगेगी भाई कोई बात नहीं, मेरे पास जो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है भाई इसे इधर लगाता हूँ। अभी बाद में जो खाना ले जाऊँगा, अपने पास खाने की भाई बिल्कुल कमी नहीं है। अभी चलने वाला हूँ मैं सीधा रेंच पे। तो फाइनली गाइस अभी जो है मैं अपने रेंच पे भाई पहुँच आया हूँ भाई, काफ़ी लंबी जो है आज की वीडियो हो गई है। तो भाई अभी तो ले आऊँ भाई, बाकी का काम जो है मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आज की वाली वीडियो में बैठते हैं, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।